गुड़िया बेटा किधर हो तुम? रूम है, मम्मी पापा के कमरे में। बेटा मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस बनवाई हूँ, अपनी ड्रेस की तरह ये पहनकर चलते हैं मेला में। नहीं, मैं तो ये वाला ड्रेस पहनूंगी, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्काई कलर का ड्रेस, यही वाला ड्रेस पहनूंगी, है ना मम्मी? तुम्हारे लिए इतने प्यार से फ्रॉक लेकर आई है, वही पहन लो, अच्छा लगेगा, दोनों का सेम सेम होगा। ठीक है मम्मी, पहन लेती हूँ, ये वाला फ्रॉक रख दो आप, वही फ्रॉक पहन लेती हूँ। फ्रॉक रख दीजिए मम्मा, आप ये लो फ्रॉक, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा है, मैं अभी चेंज करके आई, आप अभी तक तैयार नहीं हुई। अरे यहीं पे आपका ड्रेस रखा हुआ, जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हो जाए, थोड़ा जल्दी चलेंगे, मेला 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। हाँ सनम, मैं बस तैयार होने ही जा रही हूँ, देखो मैं यहाँ साड़ी ब्लाउज सब निकाल कर रखी हुई हूँ, ज्वेलरी भी, बस जा ही रही थी, मैं सोच रही थी गुड़िया को पहले तैयार कर दूँ। अच्छा चले जल्दी करे, गुड़िया गई तैयार होने के लिए, आप भी जल्दी तैयार हो जाए। मैं देखती हूँ किचन के कुछ काम है वो समेट देती हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ। वैसे आप बताई नहीं मेरा ये ड्रेस कैसा लग रहा है? अरे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा घेर दे के बनाया है, अच्छा हुआ ना हम लोग ज्यादा कपड़े ले लिए थे। ये बात तो आपने सही कहा, बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस बना है, ज्यादा कपड़ा दिए इसलिए ज्यादा घेर बन गया है ना? हाँ चले ठीक है, आप जल्दी से तैयार हो जाए, मैं जाकर किचन का काम देख लेती हूँ। तभी सनम किचन में जाने लगती है, और किचन में चली जाती है सनम। चले आप, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, बहुत लेट कर दी मैं, हो जाओ फिर गाड़ी वाला भी आकर हल्ला मचाने लगेगा और गाड़ी का हॉर्न बजाएगा बार बार, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। अरे जा रही हूँ, बस मैं ही तो बोल रही हूँ कि मैं जल्दी जा रही हूँ तैयार होने, और आप भी शुरू हो गए। अरे मैं बस बोल रहा था, आप चुपचाप बैठे रहे, मैं जा रही हूँ तैयार होने, कहीं भी घुमाने ले जाते तो ऐसे ही बस बोलने लगते, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा चलो मैं कुछ नहीं बोलता, लेट ही करो जाओ, तुम्हारी मर्जी। अच्छा जा रही हूँ, मेरी मर्जी है तो मैं लेट से जाऊँ या जल्दी जाऊँ? तैयार होकर और जोया अपना ड्रेस लेके वॉशरूम की तरफ चेंज करने चली जाती है। इन औरतों को भी ना कुछ बोलना ही बेकार है, रेडी होने में इतना टाइम लगाती है जैसे लगता है पता नहीं क्या है। चलो मैं भी अपना ये बुक कंप्लीट कर लेता हूँ। सनम सनम, एक कप चाय बना देना मेरे लिए, सर में दर्द कर दिए, मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना। जी ठीक है, बना रही हूँ, फटाफट जल्दी से चाय बना लेती हूँ, मुझे भी चाय पीने का दिल हो रहा था। चलो पतीले तो डाल दिया, अब इस पे पानी डालती हूँ, 1 कप पानी नाप कर डालती हूँ। अब चीनी पत्ती डाल देती हूँ, चाय तो बन गए हैं। अभी मैं पहले गुड्डू के पापा को दे देती हूँ, फिर जोया दीदी को दे दूंगी। चलो वो अभी नहाने गई है, उनके लिए चाय नहीं निकालती हूँ, चलो पहले मैं चाय निकाल लेती हूँ। चलो 1 कप हो गया, और दूसरे कप में 1 कप मैं अपने लिए,
हाँ ये हो गया। अब ये जो बाकी का चाय बचा है वो मैं जोया दीदी के लिए छोड़ देती हूँ। ये भी चाय निकाल ही दो, मैं तैयार होकर आ गई हूँ। क्या निकाल देती हूँ, पहले जीजू को चाय पहुंचा दूँ। चाय यहाँ टेबल पे रख देती हूँ, वो पी लीजिएगा याद से। और सनम वहां चाय टेबल पे रख देती है और वापस किचन की तरफ जाने लगती है। आप ये चाय पिए और मैं दूसरा चाय बना ले गरम कर लेती हूँ आपके लिए जो रखा हुआ है। ठीक है लाओ, मैं यही पी लेती हूँ। और फिर जोया वो चाय लेकर पीने लगती है और सनम अपना चाय निकालती है दूसरे कप में और दोनों चाय एंजॉय करने लगती है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय।